Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शरीफ खानदान की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमों का सेहते जुर्म से इनकार। मरियम नवाज ने विनफील्ड रेफरेंस में फर्दे जुर्म पर दस्तखत भी कर दिए। अजीजिया मिल फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शरीफ खानदान की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पहले नवाज शरीफ के ट्रायल रोकने पर, फिर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की फर्द जुर्म आयद ना करने और अब रेफरेंस को यकजा करने से मुतालिक दरखास्त भी खारिज। कानून और आईन का तमाशा ना बनाएं, ह्यूमन राइट्स का तमाशा ना बनाएं। एक फैमिली की जो बेसिक राइट्स हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फेयर ट्रायल, उसका तमाशा ना बनाएं। हमारे बुनियादी हुकूक का तमाशा ना बनाया जाए। रोज रोज पेशियों से बेहतर है कि सजा सुना दी जाए। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर इस तरह ही इंतकाम लेना है तो एक दफा सजा सुना दें। फैसला पहले आ गया, ट्रायल बाद में हो रहा है। बताया जाए सबूतों के डब्बे आप कहां गए। कैप्टन सफदर रिटायर्ड बोले अभी केस चल रहा है, इंसाफ भी होता नजर आ रहा है, अदालत से नेक तवक्कुआत हैं। चौधरी मुनीर के घर के बाहर कारकुनान की धक्कम पे लीगी रहनुमाओं के लिए भी दरवाजे बंद हो गए। गवर्नर सिंध भी गेट ना खुलने पर नाराज वापस चले गए। मरियम नवाज ने फोन पर मनाया, वापस बुलाया। गवर्नर सिंध ने चौधरी मुनीर की रिहायशगाह में दाखिल होते ही दिल का गुबार निकाल दिया, सख्त एहतजाज किया। मरियम औरंगजेब समझाती बुझाती रही। उसी तरह उजलत दिखाई जा रही है जैसे नवाज शरीफ को नाहल करने में दिखाई गयी। ना ट्रायल है, ना अपील है, ना कानून नजर आता है, लेकिन हिसाब लिया जा रहा है। क्या रोशनियां और सीपैक लाने का एहतसाब हो रहा है। सब जानते हैं एहतसाब नहीं, हिसाब लिया जा रहा है। वजीरे मुमलिकत तलाल चौधरी की तनकीद, कहा निजामे अदल को ये जवाब तारीख में देना पड़ेगा। शाहनवाज रांझा की भी मुखालफीन पर तनकीद। यहाँ पे कुछ बंदर के हाथ में माचिस आ गई तो उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। अच्छा, वॉल्यूम 10 अभी तक नहीं खुला, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। वॉल्यूम 10 में पता नहीं किस किस मुल्क में कारोबार निकलेगा, रकम वापस मुल्क आएगी और एहतसाब का अमल भी शुरू होगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुसलसल कर्जों में धंस रहा है, माशी ढांचा बहरान दर बहरान का शिकार है। हुकूमत टैक्स चोरों और मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ्फुज़ दे रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा चोर सालाना 10 अरब मुल्क से बाहर भेजते हैं और सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। कराची में कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को मुनदम करने का मामला महकमा एंटी करप्शन ने अपनी रिपोर्ट से मुलजिम करार दिए गए अपराध के नाम निकालना शुरू कर दिए। डायरेक्टर एंटी करप्शन की हिदायत पर डेप्यूटी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को क्लीन चिट दे दी गई। केस जो है आगे जाएगा। हर वक्त अदलिया को निशाना बनाने वाले होश के नाखून लें, तनकीद करनी है तो फैसले पर करें। फैसला अगर खिलाफ भी आ जाए तो कबूल करना चाहिए। चीफ जस्टिस के जहांगीर तरीन नाअहली केस पर रिमार्क्स, कहा जज और वकील के दलाइल आम बंदा नहीं समझ सकता। मैंने मुल्क का मुफाद देखना है, जज्बात पर फैसले नहीं करने। समाज पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी जवान के कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजिमों को बरी कर दिया। आर्मी वाले उस वक्त ही क्यों मारे जाते हैं जब छुट्टी पर आए घर आते हैं।
कई मुकदमात में देखा एहलकार छुट्टी पर आए और कत्ल हो गए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, कहा इस्तेगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। मुलजमान पर 2004 में अकरम नामी फौजी जवान को कत्ल करने का इल्जाम था। और कंदील बलोच कत्ल केस में अहम पेशरफ, गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी अदालत में पेश, पुलिस ने 14 रोजा रिमांड की सदा कर दी। फैसला महफूज, मुफ्ती अब्दुल कवी को जंग फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया था।